रहमतुल्लाहि व वरक लास्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब चार्जड पार्टिकल को मैग्नेटिक फ़ील्ड में थ्रो किया जाता है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है ठीक आज उसी चीज़ को थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे एक स्पेशल केस मैंने आपको पढ़ाया था कि जब चार्जड पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल an uh, पर थ्रो किया जाता है सपोज दिस इज मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड मैंने चार्जड पार्टिकल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि चार्जड पार्टिकल को क्या हो जाता है मान लीजिए मैंने चार्जड पार्टिकल को यहाँ पे थ्रो किया था तो चार्ज पार्टिकल सर्कल में मू करने लगता है ये सर्कल में मूव करता है लेकिन ये तब केस बनता है जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी आगे हैं तो थीटा इज़ 90, इट विल फॉलो द सर्कुलर पाथ एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज़ ऑलरेडी कैलकुलेटेड एज इट इज एम वी बाई क्यू बी तो बेटा ये जो है ये उस सर्कल का राइडियस है जिस सर्कल में ये चार्जेड पार्टिकल मूव करेगा एम इज द मास ऑफ द चार्जेड पार्टिकल इज़ द वेलोसिटी विद विच इज इज थ्रोन इन द मैग्नेटिक फील्ड क्यू इज द चार्ज एंड बी इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नाउ लेट्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ओवर हियर सपोज वी आर थ्रोइंग टू डिफरेंट चार्जड पार्टिकल्स

चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड मैंने बी वन नहीं लिखा बी दोनों के लिए सेम सिर्फ ये चीज़ें डिफरेंट हैं वट इज द रेडियस ऑफ द सेकेंड पार्टिकल इट विल बीक्ल्ट एम टू वी टू डिवाइड बाई क्यू टू इंटू बी एंड अगर uh, इन दो को मैं डिवाइड करूँगा हमें मिलेगा आर वन बाई आर वो दैट विल भी इक्वल्ड शाबाश आई विल राइट एम वन वी वन बाई क्यू वन बी डिवाइड बाई एम टू वी टू बाई क्यू टू बी 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 बेटा कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज़ एम वन बाई एम टू इट इज़ वी वन बाई वी टू ठीक है ना एम वन बाई एम टू वी वन बाई वी टू लेकिन चूंकि ये क्यू डिवाइड में है तो इसका रेसिप्रोकल आएगा क्यू टू बाई क्यू वन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म हमारे पास आया सो so, जब दो डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स को थ्रो करेंगे सेम मैग्नेटिक फील्ड में उनके सर्कल्स का जो रेडियस है उनका रेसो निकला एम वन बाई एम टू वी वन बाई वी टू क्यों टू बाई क्यू वन ठीक चलिए आगे बढ़ेंगे नाउ ये एम वन वी वन में कह सकता हूँ ये मोमेंटम है इट इज अमेंटम एम वन वी वन इज मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एम टू वी टू इज मोमेंटम ऑफ द सेकेंड पार्टिकल ठीक है ना तो इसके कुछ स्पेशल केसेस मैं यहाँ डिस्कस डिस्कसअप करूँगा मान लीजिए ये हमारा आया आर वन बाई आर टू इट इज आर वन बाई आर टू सो पहला केस जो मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा मैं लिख रहा हूँ पॉइंट नंबर वन If particles are, if particles are thrown with same momentum, or thrown with same momentum, ठीक है बेटा अगर सेम uh, मोमेंटम से थ्रो किया जाए m1 v1 वी का मोमेंटम हो गया m2 v2 दूसरे का मोमेंटम हो गया क्योंकि मोमेंटम सेम है तो वो कैंसल हो जाएगा r1 वन बाय आर टू आएगा क्यू टू बाई आर क्यू वन सो आई एल सिम्पली राइट वट वी द रेशियो ऑफ द रेडियो इट इज इक्वल सिंपल यानी अगर दो पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम है तो उनके सर्कल्स जो हैं जो वो सर्कल्स में जो मूव करेंगे उन सर्कल का रेडियस जो होगा उनका रेशियो निकला Q2 टू बाई क्यू वन यानी इनवर्स रेस्प्रोकल सो so एक छोटा सा क्वेश्चन आप अगर लिखने की कोशिश करेंगे आप लिखे एक छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि एन अल्फा पार्टिकल आप लिखिए क्वेश्चन एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटोन आर थ्रोन इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद सेम मोमेंटम स्टॉप विच ऑफ देम विल हैव लार्जर रेडियस ठीक है तो क्वेश्चन आपने लिखा तो इसको सोल्यूशन में बता रहा हूँ दो पार्टिकल एक है प्रोटॉन एक है प्रोटॉन दूसरा अल्फा पार्टिकल ठीक है ना तो क्वेश्चन बता रहा है कि दोनों को हम थ्रो कर रहे हैं दोनों का मोमेंटम सेम है आप बताइए किसका रेडियस बड़ा होगा कौन सा बड़े सर्कल में हम करेगा सो so मैं क्या लिख सकता हूँ यही फॉर्म में यूज़ करूँगा मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल किसके बराबर आएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन के अल्फा पार्टिकल ये इनवर्स है ना इक्वल टू टू सो आई हैव राइट रेस्प्रोकल चार्ज ऑफ एल्फा पार्टिकल बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन सिंपल है ना ये मैं ये फॉर्म इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज क्वेश्चन बता रहा है कि दोनों का मोमेंटम सेम है जब मोमेंटम सेम होगा तो ये फॉर्म यूज होगा सो so, क्या आएगा ना वट इज रेडियस ऑफ प्रोटॉन बाई रेडियस ऑफ एल्फा पार्टिकल दिस ई कोल्ड आप ये बात तो जानते होंगे अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो होता है इट इज डबल द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन सो मैं लिखूंगा इट इज टू टाइम चार्ज ऑफ प्रोटॉन नीचे क्या हम बिरा चार्ज ऑफ प्रोटॉन सो चार्ज ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा फिर शाबाश तो मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन आया टू टाइम्स रेडियस ऑफ एल्फा पार्टिकल ठीक है ना तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन आया टू टाइम्स रेडियस ऑफ एल्फा पार्टिकल यानी प्रोटॉन जिस सर्कल में ये प्रोटॉन के सर्कल का रेडियस है प्रोटॉन जिस सर्कल में मूव करेगा उसका रेडियस एल्फा पार्टिकल वाले सर्कल के रेडियस से डबल होगा यानी विच ऑफ देम विल मूव इन ए लार्जर रेडियस प्रोटॉन प्रोटॉन बड़े सर्कल में मूव करेगा ठीक सो so, ये ये पहला केस मैंने आपको समझाया नाउ केस नंबर टू दूसरा केस अगर हम देखेंगे तो यहां पर इसके बदले मैं ऐसा भी लिख सकता हूं आर वन बाई आर टू किसके बराबर आएगा बेटा एम वन वी वन को मैंने कहा मोमेंटमेंटम यही है ना तो अभी अभी मैंने पढ़ा है कि अगर दोनों पार्टिकल्स का मोमेंटम सेम होगा वो कैंसिल हो जाएगा आर वन बाई आर टू तो आएगा क्यू टू बाई क्यू वन केस नंबर टू अगर चार्जड पार्टिकल्स को थ्रो किया जाए विद सेम काइनेटिक एनर्जी ठीक है ना तो मैं लिखूंगा इफ पार्टिकल्स आर थ्रोन इफ पार्टिकल्स आर थ्रोन विद्रोन विद सेम का एनर्जी विद सेम कायनेटिक एनर्जी तो बेटा दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है लेकिन हम इसको पहले काइनेटिक एनर्जी फॉर्मेट में लाएंगे शायद आप लोग जानते होंगे मोमेंटम होता है अंडर रूट ऑफ टू एम काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल का दिस इज़ रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू इंटू मैस इंटू काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना आर वन बाई आर टू जो आएगा इट इज इक्वल्ड पी वन के बदले क्या लिखेंगे बेटा अंडर रूट ऑफ टू एम वन के ई वन फिलहाल मैं काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट रख रहा हूँ फिर हम ये फॉर्मेट इसमें डाल सकते हैं जब सेम होगी यहाँ पर आएगा टू एम टू के ई टू और यहाँ पर क्या आएगा क्यू टू बाई क्यू ठीक है बेटा तो अगर अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी के ई के विल केन आउट अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी टू टू कटेगा तो आर वन बाई आर टू किसके बराबर आएगा आर वन बाई आर टू विल बी टू अंडर रूट ऑफ एम वन बाई एम टू इन टू क्यू टू बाई क्यू वन यानी अभी सर्कल्स का जो रेडियस है वो मास पर भी डिपेंड करेगा जब आप चार्जेड पार्टिकल्स को थ्रो करते हैं सेम मोमेंटम से तो सर्कल्स के रेडियस का रेशियो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है जब आप दो चार्जेड पार्टिकल्स को थ्रो करेंगे सेम काइनेटिक एनर्जी से उस टाइम पे सर्कल्स के रेडिये का रेशियो जो होता है वो मास पे भी डिपेंड करता है वो चार्ज पे भी डिपेंड करता है दोनों पे डिपेंड करेगा अंडर रूट एम वन बाई एम टू इंटू अंडर रूट टू बाई वन ठीक तो ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी ठीक है ना बेटा अब मुझे आप एक बात बताइए बात को समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन आया है प्रीवियसली ये पूछा गया है जे के पेपर में ठीक सिंपल सा क्वेश्चन है मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन लिखें ठीक ऑन द क्वेश्चन एन इलेक्ट्रॉन कॉमा ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल having same kinetic energy or moving in circle of orbits or moving in circle of orbits or moving in circle of orbits of radii of radii r e r p r alpha r e r p r alpha विद सेम काइनेटिक एनर्जी इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द रिलेशन बिटवीन आर ई आर पी एंड आर एल्फा इज चार ऑप्शन बेटा दी हुई हैं चार ऑप्शन दी हुई हैं पहला ऑप्शन जो है इट इज़ यहाँ पर मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ ऑप्शन ए पहला ऑप्शन है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन basically it is the radius of circular path of the electron is greater than rp is equal to r alpha option b r e is less than rp is equal to r alpha option c r e is less than rp is less than r alpha ऑप्शन डी आर पी इज ग्रेटर देन आर ई इज ग्रेटर देन आर एल्फा ठीक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है हम तीन पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और एल्फा पार्टिकल इनको बेटा हम थ्रो कर रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में विथ सेम काइनेटिक एनर्जी हमें बताना है कि रिलेशन क्या होगी किसका बड़ा रेडियस होगा किसका छोटा रेडियस होगा किसका और छोटा रेडियस होगा ठीक तो सबसे पहले हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे ठीक है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो R1 वन बाई आर टू जो होगा इलेक्ट्रॉन की मैं जब बात करूंगा और आर प्रोटॉन बाई आर इलेक्ट्रॉन जो आएगा इट इज इकोल्ड अंडर ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन दोनों का चार्ज तो सेम हो गया बात होगी ख़त्म यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा होता है कि प्रोटॉन का ऑब्वियसली प्रोटॉन का मास ज़्यादा होगा तो जब प्रोटॉन का मास ज़्यादा होगा ये यहाँ जाएगा इसका मतलब है रेडियस ऑफ प्रोटॉन विल बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपल प्रोटान का जो रेडियस होगा वो इलेक्ट्रॉन के रेडियस से ज़्यादा एक पॉइंट समय समझ आया रेडियस ऑफ प्रोटॉन विल भी रेडियस ग्रेटर दैन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स एक्चुअली रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ प्रोटॉन विल भी ग्रेटर दैन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन ठीक है चलिए ये तो हो गया इसके बाद हम प्रोटॉन और एल्फा पार्टिकल की बात करेंगे प्रोटॉन और एल्फा पार्टिकल तो मैं लिखूंगा रेडियस ऑफ एल्फा पार्टिकल बाई रेडियस ऑफ प्रोटॉन शाबाश किसके बराबर आएगा ये मैं इसलिए ये रिलेशन यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज सेम काइनेटिक एनर्जी से इनको थ्रॉ किया गया है तो बताइए बेटा क्या आएगा अंडर रूट ऑफ आर एल्फ़ा बाई आर पी आर एल्फा बाई आर पी सो दैट इज इक्वल टू मास ऑफ एल्फा पार्टिकल बाई मास ऑफ प्रोटॉन इन टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन बाई चार्ज ऑफ एल्फा पार्टिकल ठीक है ना अब बताइए एल्फा पार्टिकल का मास जो होता है ये प्रोटॉन के मास से चार गुना ज़्यादा होता है सो एल सी राइट फोर टाइम मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई मास प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाई अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो होता है दैट इज डबल द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन सो मैं लूंगा क्यू पी बाय अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो होगा इट इज टू टाइम्स द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन ठीक सो so, क्यू पी कैंसिल एम पी कैंसिल फोर रूट से बाहर आएगा टू मिलेगा टू इन टू यहाँ पे भी क्या है वन बाई टू 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 कटेगा या आएगा वन यानी आर एल्फा बाई आर पी आया वन यानी आर एल्फा इज इक्वल टू आर पी यानी आर एल्फा जो आया इट इज इक्वल टू आर पी तो जिस एल्फ़ा पार्टिकल जिस सर्कल में घूमेगा उस सर्कल का रेडियस बराबर होगा प्रोटॉन के सर्कल के रेडियस के लेकिन प्रोटॉन का सर्कल जो है होगा वो या वो बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन के सर्कल के रेडियस से तो कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है बिकॉज ये दो तो सेम है लेकिन ये बता रहा है इलेक्ट्रॉन का ही रेडियस ज़्यादा है लेकिन वो गलत है प्रोटॉन का रेडियस ज़्यादा है तो ये वाला फॉर्म जो है इसका ठीक है दिस इज़ करेक्ट ऑप्शन दोनों का रेडियस सेम है और प्रोटॉन का रेडियस इलेक्ट्रॉन के रेडियस से ज़्यादा है ठीक है सो दिस हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इसी तरह से आप इसको और एक केस भी कर सकते हैं पहला केस हमने पढ़ा कि चार्जेड पार्टिकल्स को थ्रो किया गया विथ सेम मोमेंटम तो उसके बाद दूसरा केस हमने पढ़ा चार्जड पार्टिकल्स को थ्रो किया गया विद सेम काइनेटिक एनर्जी तो ये ये जनरल फार्मूला है दिस इज जनरल फार्मूला उसके बाद अगर चार्जेड पार्टिकल्स को थ्रो किया जाएगा सेम मोमेंटम से है तो आर वन बाई आर टू किसके बराबर वर आया क्यू टू बाई क्यो वन ये जनरल फार्मूला है अगर सेम का सेम मोमेंटम से थ्रो करेंगे दो पार्टिकल्स को तो ये फार्मूला आएगी अगर सेम क्लाइमेटिक एनर्जी से थ्रो करेंगे पार्टिकल्स को तो ये फार्मूला आएगी इसी तरह से आप और एक केस भी इसका खुद करेंगे घर में बैठ के अगर चार्जेड पार्टिकल्स को थ्रो किया जाए विद सेम पोटेंशियल उनको एक्सरेट किया जाए विद सेम पोटेंशियल ठीक है तो उस टाइम पे क्या होगा थोड़ा समय यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आर वन बाई आर टू किसके बराबर आया शाबाश ये मोमेंटम था ना पी वन और पी टू मैंने फिर इसके बारे में लिखा था अंडर रूट ऑफ टू एम के ई सो टू एम वन के ई वन डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ टू एम टू के ई टू इंटू क्यू टू बाई क्यो वन यही तो आया था ना तो मैं बस इसलिए ये कह रहा हूँ आप इसलिए करें बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जो होता है इट इज़ चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू टू एक्सोरेटिंग पोटेंशियल सो काइनेटिक एनर्जी के बदले फिर लिखेंगे क्यू वन वी वन फिर काइनेटिक एनर्जी के बदले के लिखेंगे क्यू टू वी टू फिर आरउंड बाई आर टू का फॉर्म निकाल सकते हैं आप वो खुद आप ट्राई कर लीजिएगा ठीक है तो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं कि जब चार्जेड पार्टिकल को थ्रो किया जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो चार्जड पार्टिकल जो है उनका बिहेवियर कैसा होता है दो स्पेशल केसेस हमने पढ़ लिए जब थीटा नाइन्टी होगा तो उस टाइम पे चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर लेता है और अगर किसी और एंगल पे तो स्पाइरल पाथ ठीक है चलिए ये तो हो गया अब देख लीजिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं थोड़ा सा और सीखने की कोशिश करेंगे आप भी हम भी देखिए एक दो सिंपल से क्वेश्चंस देखेंगे वो करने की कोशिश करेंगे ठीक है इसी पे इसी पे कॉन्सेप्ट बराबर यही है तो क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहेंगे आप लिखिए क्वेश्चन ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज प्रोजेक्टेड इन टू ए रीजन हैविंग ए परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ विड्थ डी फाइंड द डिविएशन प्रोडोस्ड ऑल्सो फाइंड द टाइम स्पेंड बाई द चार्जड पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड ठीक है देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है बहुत आसान है दो स्टेप्स में हो जाएगा लेकिन आप सीखने की कोशिश करिएगा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग देखिए क्या मसला है हमारे पास एक मैगनेटिक फील्ड दिया हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड इनवर्स एंड चार्जेड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विदोसिटी वी हम इसको विलासिटी वी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये चार्जेड पार्टिकल जो है ये सर्कल चूंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है ये सर्कल में मूव करने की कोशिश करेगा तो चार्जेड पार्टिकल यहाँ से होते 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 सर्कल कम्प्लीट करता अब ये यहाँ पर सर्कल कम्प्लीट करता लेकिन बाहर से तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं तो यहाँ से इमर्ज हो जाएगा ये लीव करेगा चार्जेड पार्टिकल ठीक है ना अगर इसको मैंने कम वेलोसिटी दी हुई होती तो ये ऐसे सर्कल में मूव करता शायद वापस आ जाता क्योंकि इसकी ये डायग्राम दी हुई इसकी ऑलरेडी कुछ हमने वेलोसिटी दी है ये सर्कल कंप्लीट करने की कोशिश में है लेकिन जब ये इस पॉइंट को इसको यहाँ पर करवेचर लेना था वापस आना था लेकिन यहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं तो ये चार्ज पार्टिकल इमर्ज करेगा इसके बाद ये डायरेक्ट स्ट्रेट पाथ में जाएगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड है नहीं जो इसको बेंड करवा सके तो इसका मतलब फिर डिविएशन हो रहा है ठीक है तो हमें वही डिविएशन निकालना है डिविएशन का मतलब ये जहाँ से जा रहा था ये यह तो यहाँ से जा रहा था फिर फाइनली तो ये यहाँ से चला गया ठीक है तो क्वेश्चन में बता रहा है कि फिर डिविएशन एंगल कितना होगा डिविएशन डिविएशन का मतलब है इनिशियल पाथ जो है और फाइनल पाथ के बीच में एंगल कितना है तो इनिशियल बात ये है मैं इसको टेंजेंट यहाँ पे ड्रा करूँगा इस पॉइंट पे भी अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे वो ये आएगा ठीक है ना तो इसके बाद मुझे आप बताइए इन दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल ढूंढना है मैं क्या करूंगा मैं इन दो टेंजेंट्स को नॉर्मल ड्रॉ करूँगा ठीक है मिक जो दो टेंजेंट्स के बीच में जो दो लाइन के बीच में एंगल होता है वही नॉर्मल्स के बीच में भी होता है तो इस टेंजेंट का इस टेंजेंट का नॉर्मल बेटा ये हो गया इस टेंजेंट का नॉर्मल जो है वो ये हो गया और ये नॉर्मल जहाँ पर मीट करेंगे इनके बीच में जो एंगल होगा वही थीटा होगा दो लाइंस के बीच में जो एंगल थीटा होगा डीवियशन वही नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल होता है सो आई विल ट्राई टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू नार्मल्स एंड वही होगा एंगल ऑफ़ डिविएशन थीटा इस और इस लाइन के बीच में बेटा वही एंगल होगा ठीक तो अब ये थीटा कैसे निकाला जाए बहुत सिंपल है ये वाला होगा इस सर्कुलर पाथ का इस आर का रेडियस ये भी होगा इसका रेडियस और रेडियस ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं रेडियस किसके बराबर होता है एम वी बाई क्यू बी जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया जाता है और रेडियस होता है एम वी बाई क्यू बी के बराबर अब मुझे थीटा ढूंढना है तो मैं सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करूंगा इसको लाइन एक ड्रा करूंगा ये विड्थ बेटा डी हुई है डी विड डी तक ये मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है तो ये वाली डिस्टेंस भी डी ही होगी तो साइन थीटा होगा पर पेंडिकुलर हाई पार्ट डी दिया है हाइपोटेन्यूज इस सर्कल का रेडियस है इस आर्क का रेडियस है बिकॉज ये सेंटर बन रहा है उस सर्कल का रेडियस ये जब चार्जेड पार्टिकल मूव करता है उस सर्कल का रेडियस बेटा ये बन जाता है ये सेंटर बन जाता है तो मुझे, फिर मुझे बताइए थीटा ढूंढना है साइन थीटा किसके बराबर आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज व्हाट इज परपेंडिकुलर इट इज डी व्हाट इज हाइपोटेन्यूज इट इज आर और आर ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं सो साइन थीटा किसके बराबर आएगा डी बाई शाबाश एम वी बाई क्यू बी सो ये ऊपर जाएगा ये बनेगा डी क्यू बी बाई एम वी एंड थीटा विल बीवल टू साइन इनवर्स डी क्यू बी बाई एम बी सो दिस बी दिविएशन प्रोड्यूस ये डिविएशन होगा बेटा ठीक अच्छा चलिए यहाँ तक तो हो गया अब इसके बाद और एक पॉइंट हैलकुलेट द टाइम इस चार्जेड पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड में इसने कितना टाइम स्पेंड किया अगर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ऐसा होता कि चार्जेड पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट करता पूरा सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है पूरा सर्कल कंप्लीट करने में टाइम लगता है टू पाई एम बाई क्यू बी पूरा सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है कितना होता है बेटा वो शाबाश टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई एम बाई क्यू बी दिस इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फुल सर्कल लेकिन हमारा तो फुल सर्कल यहाँ पर है नहीं तो कितना है मुझे बताइए फुल सर्कल में फिर एंगल कितना बनता मुझे बता सकते हैं फुल फुल सर्कल में एंगल कितना बनता टू पाई सो फुल सर्कल में एंगल बनता टू पाई और टू पाई एंगल कवर होने में कितना टाइम लगता है शाबाश टू पाई एम बाई क्यू बी यूनिट एंगल कवर करने में कितना टाइम लगेगा टू पाई एम बाई क्यू बी लेकिन हमें कितना एंगल कवर करना है थीटा सो so, थीटा एंगल कवर करने में कितना टाइम लगेगा टू पाई एम बाई क्यू बी मल्टीप्लाइड बाई सॉरी यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे ये वन बाई टू पाई भी आएगा ना टू पाए में इतना टाइम लगता है यूनिट एंगल कवर करने में इतना टाइम लगेगा ये टू पाई नीचे गया थीटा एंगल कवर करने में कितना टाइम लगेगा यहाँ पे टू पा है और यहाँ पे भी थीटा मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस द टाइम स्पेंड बाई द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड तो बताइए टाइम फिर इसको कितना लगा शबाश इट इक्वल टू टू पाई एम बाई क्यू बी ये फुल सर्कल कम्प्लीट करने में टाइम लगता लेकिन थीटा थीटा सर्कुलर पाथ ट्रैवल करने में कितना लगेगा मल्टीप्लाइड बाई थीटा बाई टू पाई टू पाई टू पाई बेटा कैंसिल होगा सो so टाइम कितना इसको लगा मैं लिखूँगा एम बाई क्यू बी इंटू बस थीटा का वैल्यू ये पुट कर लीजिए ये बनेगा साइन इनवर्स शाबाश डी क्यू बी बाई एम वी डी क्यू बी डिवाइड बाई एम सो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड बाई द पार्टिकल टाइम स्पेंड बाई द चार्जेड पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड इतना टाइम इसको बेटा लग गया होगा ठीक और एक छोटा सा क्वेश्चन आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू इज एक्सलरेटेड फ्रॉ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट इट एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा एक चार्जड पार्टिकल को थ्रो किया गया है उस चार्जड पार्टिकल का जो मास एम है चार्ज क्यू है इसको एक्सरेट किया जाता है वी वोल्ट ये वेलोसिटी नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस है ये फिर मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो हमें बताना है सर्कुलर पाथ का रेडियस रेडियस कितना किसके बराबर होता है शाबाश एम वी बाई क्यू बी लेकिन वी वेलोसिटी हमें पोटेंशियल दिया हुआ है ये बात अच्छे से हम जानते हैं जब चार्जेड पार्टिकल को वी वोल्ट से हम एक्सरेट करते हैं उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है क्यू वी होती है क्यू इज द चार्ज वी इज द पोटेंशियल पोटेंशियल जिसे इसको एक्सोरेट किया गया है सो so, क्यू वी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें इम्पैक्ट करती है काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम इस द पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्ड इन टू काटिक एनर्जी तो यहाँ से जब आप वेलोसिटी का वैल्यू निकालेंगे वी किसके बराबर आएगा टू आइस क्यू वी बाई एम अंडर रूट सो so, ये होगी वेलोसिटी। सो सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा एम बाई क्यू बी मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी वो कितनी आई अंडर रूट ऑफ टू क्यू वी बाई एम सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम देखेंगे इसके ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चन जिससे और क्लियर हो जाएगा ठीक थैंक यू वेरी मच